बंदे पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी के एक भक्त हुए केशोदाव। उन्होंने श्री ठाकुर जी से एक प्रश्न किया कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान में है कि एक एक इंस्टिंक्ट सहजात संस्कार का उदय होता है जो अधिक दिनों तक टिकता नहीं, उन सबको शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह काम में लगाया जाए। श्री ठाकुर जी ने बोला कि जिस समय जो जागृत हो उठे उसे उसी समय सत्ता संपोषणी की तरह पोषण करना चाहिए। अनेक समय एक नहीं वरन दो दो आते हैं, जैसे पहले साहसिकता उसके बाद भय आता है। साहसिकता संस्कार का पोषण देने से भय का संस्कार फिर सर ऊंचा नहीं कर सकता है। किसी समय किसी चीज को गढ़ने का संस्कार आता है तो कभी तोड़ने का संस्कार भी जागृत होता है। जब गठन प्रवृत्ति जगती है तो उस समय उसे नाना तरह की सुविधा देनी चाहिए। उदाहरणार्थ आप किसी को लकड़ी लाकर देते हैं, हथौड़ी वसूला भी साथ ही साथ दे देते हैं जिससे वह एक पीढ़ी तैयार कर लेता है। किसी को मजबूत कागज लाकर देते हैं जिसका वह घर बना लेता है। कोई मिट्टी की मूर्ति बनाता है, उसे आप तरह तरह के रंग लाकर देते हैं, वह अपने मन के मुताबिक उस मूर्ति पर रंग चढ़ा लेता है। एक तस्वीर किस तरह मढ़ी जाती है वह भी आप बता दे सकते हैं। कोई बर्तन फूट गया है उसे किस तरह रसा जा सकता है, ठठेरा से उस काम को करा के आप उसे बता दें। किताब बांधना, कपड़े की सिलाई, कमीज में बटन लगाना, घड़ी मरम्मत करना, टार्च ठीक करना, बागान में घेरा डालना, राजमिस्त्री का काम इत्यादि, कितने नित्य प्रयोजनीय कार्यों को सुयोग सुविधा अनुसार उस समय उसे सिखा सकते हैं। जिस समय ऐसे विशेष संस्कार की झलक मिले तो उसी क्षण कोई भी गठन मूलक काम को सिखाने से वह लड़का तुरंत ही उसे आयत कर सकता है। और वैसे कामों को अच्छी तरह आयत करने के लिए कौन कौन सी किताबों की पढ़ने की आवश्यकता है उसे यदि बता दें तो वह उन किताबों को आग्रह के साथ पढ़ेगा। यदि ऐसी गठन प्रवृत्ति को पुष्ट होने नहीं दें तो बाद में तोड़ने की प्रवृत्ति प्रबल हो उठेगी। यदि तोड़ने की प्रवृत्ति प्रबल हो उठे तो भी उसे लाभजनक कामों में लगाना होगा। जैसे आप उससे जंगल साफ करा सकते हैं, प्रयोजनीय जगहों पर एक गड्ढा खुदवा सकते हैं, कोई घर दूसरे ढंग से सजाया हुआ है उसे आप उसके इच्छा अनुसार चीज़ों को इधर उधर कराकर दूसरी तरह सजाने कह दें ताकि जगह की कमी ना हो, जबकि देखने में सुंदर हो। मान लें दो व्यक्ति में मनमुटाव है, उस मनमुटाव को दूर करने के काम में आप उसे लगा देते हैं। इस प्रकार जितनी प्रवृत्ति तथा संस्कार हैं उन्हें जीवनीय ढंग से व्यवहार करने का तरीका सिखा सकते हैं। इसीलिए शिशु के प्रति शिक्षकों का दायित्व तो बहुत अधिक है, उन्हें सर्वदा तत्पर सजग तथा अनुसंधित रहना चाहिए, अंतर्दृष्टि लेकर चलना चाहिए। उपयुक्त मुहूर्त में प्रॉफिटेबल इंस्टिंक्ट लाभजनक संस्कार के अनुसार काम करा के बच्चों का हैबिट अभ्यास फॉर्म गठन कर देना चाहिए, उसे लिखना पढ़ना सिखाने के काम में लगा देना चाहिए। जैसे कोई लड़का किसी चीज़ के घेरा पर चढ़ना चाहता है उस समय मार पीट कर उसे रोकना नहीं चाहिए, वरन पग पग पर उठने के साथ ही साथ 1 2 3 4 गिनती करना सिखा देना चाहिए। एक साथ दो काम हो जाता है। 5-7 वर्ष के अंदर ही माँ को बच्चे का अभ्यास व्यवहार झोंक को ठीक कर देना चाहिए। अर्जन प्रवृत्ति मानव की प्रधान प्रवृत्ति होती है, ऐसी अर्जन प्रवृत्ति के कारण ही मानव सीख सकता है, कार्यों को कर सकता है, आहरण कर सकता है। इसलिए पहले जमाने के छात्र सभी भिक्षा कर आहरण करते एवं गुरु को खिलाते थे और उनका प्रसाद ग्रहण कर जीवन व्यतीत करते थे। यह एक बहुत बड़ी चीज थी। उस समय उन्हें यह जानने का अवसर मिलता था कि किस तरह परिवेश की सेवा करनी चाहिए तथा परिवेश को जीवन का सहायक बनाना चाहिए। वे मनुष्य के वास्तविक अभाव एवं आवश्यकता को जान पाते थे तथा उसकी पूर्ति के लिए यत्नवान रहते थे। ऐसा करने से ही वस्तु और विषय संबंध में उन्हें व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती थी। इसके अलावे मनुष्य को खुश करके आहरण करना पड़ता था जिससे वे यह सीखते थे कि मनुष्य के साथ किस तरह चलना चाहिए। इसके लिए बहुत कुछ आत्मनियंत्रण की आवश्यकता पड़ती थी।
क्योंकि जिसे आत्मनियंत्रण की अभिज्ञता नहीं है वह दूसरे को नियंत्रित कर अपने अनुकूल नहीं बना सकता है। ऐसा करने से उनका व्यक्तित्व बढ़ता था। इसलिए यदि आप लोग शिक्षा में इष्टवृत्ति को अच्छी तरह शामिल कर सके एवं लड़के तथा लड़कियां अपने अपने आहरण पर अवलंबित रहकर इसे करने में अभ्यस्त हों तो उस समय देखेंगे कि उन लोगों का मस्तिष्क कितना खुल जाता है। सिर्फ इष्टवृत्ति ही नहीं, माता पिता तथा शिक्षक को देने का अभ्यास भी रहना चाहिए। माँ को यह कहना चाहिए कि पिता को दो और पिता को कहना चाहिए कि माँ को दो, और इसके साथ दोनों को एक साथ होकर कहना चाहिए कि इष्ट और शिक्षक को भी जाकर कुछ दो। घर घर में कुटीर शिल्प की व्यवस्था करनी चाहिए। बच्चों से यह कहना चाहिए कि तुम लोग इस ढंग से काम करो ताकि अपने कामों की आय पर अवलंबित होकर इष्टवृत्ति कर सको। जो थोड़ा सयाना है उसे एक कट्ठा जमीन में आलू की खेती भी करने दें और यह बता दें आलू की खेती कैसे अच्छी तरह करनी चाहिए। उसके विषय में अच्छी तरह जानकारी लेकर खेती करो, क्योंकि उस खेत की फसल तुम लोगों की ठाकुर पूजा का अर्घ होगा। इस तरह वे बचपन से दायित्व के साथ श्रेय के लिए यदि परिश्रम करना सीखें, लाभजनक रूप से काम सुसंपन्न करना सीखें, तो उससे जो अभिज्ञता तथा आत्मविश्वास पैदा होगा वह परीक्षा में पास करने से कहीं अधिक मूल्यवान होगा। आलोचना प्रसंग भाग दो पेज संख्या 209-210। जय गुरु।